नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फिनोवाइज के। जीबी की पावर, देखिए जीबी की पावर पर जो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस शुरू हुआ है, तो अभी जो लग रहा है कंपनी का इंफॉर्मेशन देख के, हो सकता है कि कंपनी डी लिस्ट हो। यहाँ पे प्रोमोटर्स जो है जीबी की पावर का, इनके ओर से अभी तक कुछ भी अपडेट्स नहीं आया है कंपनी को लेके या फिर इसके इंसॉल्वेंसी प्रोसेस को लेके। प्रोमोटर्स अगर यहाँ पे बोलता था कि ये जो है लेंडर से बात कर रहे हैं सेटलमेंट वगैरह करने के लिए, तो जाके आप भी समझ सकते थे कि आगे हो सकते हैं कि लेंडर से आप तो सेटलमेंट वगैरह करें। अभी तक यहाँ पे कुछ अपडेट्स नहीं है। जीवी के पावर के शेयर का प्राइस देखते हैं तो जैसे कि 11-11.5 रुपये के आसपास चल रहा था, बहुत ज्यादा डाउन हुआ शेयर का प्राइस। और जो है अभी जीवी के पावर का शेयर का जो प्राइस है लगभग 5 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अभी यहाँ पे क्या करना चाहिए, जीवी के पावर के शेयर में क्या चल रहा है, जीवी के पावर के शेयर में और यहाँ पे कंपनी में क्या चल रहा है, इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। दोस्तों रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो पे पूरा बने रही, केबल स्किप मत कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फिनोवाइज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। शेयर मार्केट से जुड़े कंटेंट पाने के लिए सब्सक्राइब आपके लिए फ्री है, हमें बहुत सपोर्ट होता है। शुरू करते हैं स्टॉक की बात। देखिए जीबी के पावर का जो शेयर का प्राइस है, जो इसका प्रीवियस क्लोज प्राइस है जीबी के पावर का 5.36 पैसे का, ये इसका प्रीवियस क्लोज प्राइस है। और शेयर का प्राइस जो अभी ट्रेड कर रहा है 5.25 पैसे में। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, जो प्रीवियस क्लोज प्राइस है उससे शेयर का प्राइस डाउन हुआ है। देखिए अभी जैसे कि इंसॉल्वेंसी का अपडेट आया तो ज्यादातर इन्वेस्टर जो है शेयर यहाँ पे सेल कर रहा है। ट्रेडेड वॉल्यूम जो जीबी के पावर का देखने का मिल रहा है एक दिन के, जो कि 12.04 लाख का है। एंड ट्रेडेड वैल्यू की बात करते हैं 0.63 है। कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 829.09 करोड़ के आसपास है। देखिए अभी यहाँ पे जीबी के पावर के शेयर ने जो 52 का एक लो प्राइस बनाया है 2.95 पैसे का है, और जो 52 का हाई प्राइस बनाया 17 रुपीज का। कंपनी जो यहाँ पे जीबी के पावर जो यहाँ पे जैसे इसका इंसॉल्वेंसी का अपडेट आया, जैसे कि 18,000 करोड़ के आसपास कंपनी को पे करना है, 1.8 अरब डॉलर जो कंपनी को पे करना है, एक बहुत बड़ा अमाउंट है जीबी के पावर का। जीबी के पावर का देखते हैं दोस्तों, इसका जो बाकी बहुत सारे बिजनेस है, प्लान्स जितने भी है, इसके सब्सिडरीज जितने भी है, देखते तो सब्सिडरीज कंपनी के बहुत सारे हैं, उसमें से सिर्फ एक ऐसा सब्सिडरी है या फिर ऐसे एक दो सब्सिडरी रहेगा जो जीबी के पावर को प्रॉफिट दे रहा है, बाकी सब्सिडरीज से कंपनी को कुछ प्रॉफिट वगैरह नहीं आता है। तो यहाँ पे अगर कोई नया इन्वेस्टर्स या फिर नया बायर आता है जीबी के पावर को खरीदने के लिए, कंपनी इंसॉल्वेंसी में चल रहा है, तो यहाँ पे नया बायर आ सकता है जीबी के पावर को और इसके एसेट्स को खरीदने के लिए। तो कंपनी ये सब इंफॉर्मेशन देखेगा कि इसके जो जितने भी सब्सिडरीज है इसमें से कंपनी को कितना प्रॉफिट वगैरह होता है। जीबी के पावर का जो कोल का बिजनेस है उसके लिए कंपनी ने यहाँ पे लोन लिया था, और यहाँ पे जो लेंडर्स हैं, बहुत सारे लेंडर्स हैं जिन लोगों ने यहाँ पे एक एप्लीकेशन दिया था कि कंपनी जो यहाँ पे जीबी के पावर जो यहाँ पे पेमेंट वगैरह नहीं कर रहा है, मतलब रिपेमेंट नहीं कर रहा है। देखिए शेयर का प्राइस जो है दोस्तों यहाँ पे देख सकते 8.24 पैसे के आसपास शेयर का प्राइस चल रहा था कुछ दिन पहले, 8.24 पैसा। और उसके बाद देखते हैं शेयर का प्राइस जो है यहाँ पे एक हाई प्राइस बनाया 7.82 पैसा, फिर 7.42 पैसा, और 7.04 पैसा, उसके बाद फिर से 7.04 पैसा, 6.34 पैसा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप शेयर जो है कितना ज़्यादा यहाँ पे सेल हुआ है जीबी के पावर का शेयर, बहुत ज़्यादा जो है सेलिंग देखने का मिला है जीबी के पावर के शेयर में। इसके लो प्राइस है 5.25 पैसे का, इसका एक दिन का लो प्राइस। देखिए शेयर जो है यहाँ पे जीबी के पावर का जो प्रीवियस क्लोज प्राइस है 5.36 पैसा, तो यहाँ से देखते हैं तो शेयर का प्राइस जो है प्रीवियस क्लोज प्राइस से नीचे बोल सकते कि जो है ओपन हुआ है 5.25 पैसे में, हाई प्राइस दिया 5.25 पैसा और लो प्राइस 5.25 पैसा। तो फिलहाल यहाँ पे कोई खरीदारी भी नहीं कर रहा जीबी के पावर के शेयर में। अगर अभी जैसे कि यहाँ पे दोस्तों कुछ दिन पहले जैसे कि जीबी के पावर में ऐसा एक या दो बल्क डील हुआ है जहाँ पे अच्छे खासे स्टेक जो है खरीदा गया है कंपनी में, देखेंगे अभी जीबी के पावर के शेयर में जो सेलिंग करने के लिए शेयर लगा है, बेचने के लिए शेयर जो लगा हुआ है, आप देख सकते हैं इतने सारे क्वांटिटीज के शेयर से जो बेचने के लिए लगा हुआ है जीबी के पावर का। तो ज्यादातर इन्वेस्टर्स अभी यहाँ पे जीबी के पावर में शेयर बेच रहे कंपनी का। जीबी के पावर का देखते हैं तो जो मतलब बोलते हैं कि इसका जो स्टॉक पीई है 40.6 है, बुक वैल्यू माइनस में है 7.49।
जीवीके पावर के दोस्तों अभी जो बोल सकते हैं कंपनी का जो Q4 24 का फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आया था, देखिए कंपनी का बिजनेस को लेके देखते हैं तो पावर बिजनेस का जो ऐसा कुछ खास प्रॉफिट वगैरह देखने को नहीं मिल रहा है जीवीके पावर का। जहाँ पे जो सेल्स है डाउन हो रहा है, 135 करोड़ से जो है सेल्स डाउन होके 69 करोड़ का हुआ है Q4 24 में। एक्सपेंसेस की बात करते हैं 37 करोड़ से रिड्यूस होके 38 करोड़ हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं 98 करोड़ से रिड्यूस होके 31 करोड़ हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं जो कि माइनस में था 71 करोड़ के आसपास जो कंपनी का प्रॉफिट माइनस में था और वो जो है अभी 135 करोड़ माइनस में देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं 77 करोड़ माइनस में था, वो इंक्रीज होकर 143 करोड़ देखने को मिल रहा है। देखिए कंपनी का जो सेल्स है सेल्स डाउन हुआ है Q4 24 में। कंपनी का जो ऑपरेटिंग इनकम है ऑपरेटिंग प्रॉफिट है माफ कीजिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो डाउन हुआ है रिड्यूस हुआ है Q4 24 में। प्रॉफिट बिफोर टैक्स रिड्यूस हुआ है, नेट प्रॉफिट कंपनी का रिड्यूस हुआ है। तो कंपनी का बिजनेस यहाँ पे कुछ खास नहीं है बोल सकते। अभी यहाँ पे जीवीके पावर में जो प्रोमोटर्स हैं प्रोमोटर्स के पास आप देख सकते हैं जो कि 54.25% का स्टेक जो है प्रोमोटर्स के पास है। FIs के पास 0.85% का स्टेक है और जो DIs है DIs के पास 0.48% का स्टेक है। एंड जो बोल सकते हैं कि पब्लिक जो है पब्लिक के पास 44% का स्टेक था, पब्लिक ने स्टेक इंक्रीज करके 44.41% का किया है। देखिए अभी जीवीके पावर में जो अपडेट से यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कंपनी जो यहाँ पे इंसॉल्वेंसी में चल रहा है, तो अगर ये डीलिस्ट होता है तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स यहाँ पे जिन लोगों ने पैसा लगा के रखा है यहाँ पे, तो उनको यहाँ पे एक बार रिसर्च करना चाहिए अच्छी तरह से, क्योंकि फिलहाल यहाँ पे जो प्रोमोटर्स है जीवीके पावर की ओर से इनकी ओर से कुछ ऐसा अपडेट नहीं आया है कंपनी के इंसॉल्वेंसी को लेके। इन लोगों ने फिलहाल बोल सकते कि एडमिट किया है कि कंपनी जो इंसॉल्वेंसी में चल रहा है और 18,000 करोड़ के आसपास यहाँ पे देना है। तो हो सकता है कि अभी यहाँ पे कंपनी जीवीके पावर जो यहाँ पे डीलिस्ट करे। अभी यहाँ पे जब तक इसमें कुछ नया बायर या फिर बोल सकते कि जब इसमें कुछ नया बायर मिलेगा जीवीके पावर में तभी जाके देखना होगा कि नया बायर की ओर से क्या ऑफर आता है शेयर होल्डर्स के लिए। फिलहाल यहाँ पे ऐसा कुछ अपडेट्स नहीं है। देखिए दोस्तों अभी जीवीके पावर के जो लोन है जो कि 18,000 करोड़ के आसपास है वो इंटरेस्ट वगैरह मिला के इतना बड़ा कंपनी रीपेमेंट नहीं किया है। जो इसे कोल का बिजनेस है कोल के बिजनेस में कुछ खास प्रॉफिट वगैरह कंपनी को नहीं हुआ है, कंपनी ने रीपेमेंट नहीं किया। बहुत दिन से ये सब अपडेट्स चल रहा था बातें चल रहा था कि कंपनी जो यहाँ पे बहुत सारा लोन वगैरह लेके रखा है मतलब जीवीके पावर के जो सब्सिडरी है और वो पेमेंट नहीं कर रहे। तो अभी यहाँ पे जीवीके पावर जो कि गारंटर हुआ है उस लोन के लिए, तो जीवीके पावर को अभी सारे अमाउंट देना। फिलहाल यहाँ पे जीवीके पावर के शेयर में खरीदारी वगैरह नहीं करना चाहिए ऐसा हमें लगता है। आपको कैसा लगता है जीवीके पावर के शेयर जरूर आप हमें कमेंट करके बताइए। उम्मीद है जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पिन आवेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए।